नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही हो। हम कर रहे थे जनरल साइंस और इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था फिजिक्स चल रहा था। तो आशा करता हूँ आप सबको ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ वो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो आप इसका फीडबैक जरूर शेयर करें और जिससे मुझे पता लगे कि कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो हमने जो कल टॉपिक कर रहे थे फिजिक्स के अंदर, हमारा टॉपिक चल रहा था यांत्रिकी, जिसमें हमने कुछ इकाइयां देखी थी, जैसे राशियां देखी थी कि मतलब सदिश सदिश क्या होती है, उनके यूनिट्स देखे थे कुछ इकाइयों के, और उन्हें 10 की पावर्स देखी थी, मतलब 10 की घात देखी थी कि 10 की अगर हम घात 2 लगाएं, 4 लगाएं, 6, 8, 12, 15 लगाने पे किसको क्या बोलते हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक प्रीवियस क्लास में, पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इकाइयां और देखेंगे, मतलब यूनिट्स और देखेंगे जो कि दूरी मापने के काम आते हैं। फिर ये हमारा टॉपिक लगभग यांत्रिकी वाला या मैकेनिक्स वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा गति का टॉपिक होगा। तो 2-3 इंपॉर्टेंट इकाइयां, इनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि खगोलीय इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या है, या पारसेक क्या होता है, या इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी मापने की। तो खगोलीय इकाई हमारी कब काम आती है, ये जो इकाई है, ये यूनिट हम कब काम करते हैं, जब हमें बड़ी दूरियां या ज्यादा लंबाई की दूरियां, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को, जैसे सूरज से चांद को या सूरज से धरती को, इन चीजों को हमें बड़ी बड़ी इकाइयों को, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के ये यूनिट काम आती है खगोलीय। खगोलीय का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होता है, मतलब खगोलीय पिंड बोलते हैं ना हमें अंतरिक्ष वाले, जैसे उनसे रिलेटेड है। तो ये इकाई हम यूज करते हैं किसी ग्रह की या लंबी लॉन्गेस्ट दूरी को मेजरमेंट करने के लिए। कोई एग्जाम में पूछ ले आपसे कि खगोलीय यूनिट कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आप पूछ सकते हो जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, कोई भी मतलब ग्रह या उपग्रह, उनकी बीच की दूरी के लिए, बीच की दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं, मापने के लिए यूज करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, कोई भी ग्रह, इसे लॉन्गेस्ट दूरी होती है, हजारों किलोमीटर में होती है, हजारों लाखों मीटर में होती है, ऐसी दूरियों को मापने के लिए हम खगोलीय यूनिट का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे एक खगोलीय यूनिट या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये जरूर लिखें, आप अपने नोट्स बनाते रहें, एक AU मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने मीटर होते हैं, इसके बराबर होते हैं 1.495 × 10 की पावर कितना, 10 की पावर 11 मीटर। मतलब समझ रहे हो ना कितना हो गया, 1.495 × 10 की पावर 11, इसके आगे इसको 10 मतलब 10 से 11 बार गुना करना है, 10 10 10 ऐसे, तो कितना मीटर हो जाएगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे आपको वैसे मान लो कि बोल दे कि किसी चीज की डिस्टेंस कितनी है, मान अब आपको इसे पता नहीं चले कितना है, तो आप इसे बोल दो कि उसकी 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अब उस 5 को इससे गुना कर दो तो कितना मीटर हो जाएगा। ये इकाइयां तब यूज करते हैं हम कोई बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना है। नेक्स्ट हमारी इकाई है वो है प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट ईयर। ये क्या होता है प्रकाश वर्ष, इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, किसी का प्रकाश है, वो निर्यात में मतलब वैक्यूम के अंदर या किसी स्पेस के अंदर, निर्यात का मतलब वो होता है जहां हवा नहीं जा रही है, उसके अंदर प्रकाश हमारा एक साल में कितनी दूरी तय कर गया, कोई लाइट है या कोई प्रकाश है वो एक साल में कितनी मीटर या कितनी दूरी तय कर ली, तो वो होता है प्रकाश वर्ष। तो इसका कितना मीटर के बराबर होता है ये, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 9.46 × 10 की पावर कितना, 10 की पावर 15 मीटर। ये होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर, मतलब एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर या इतनी डिस्टेंस होती है। तो ये हमारे थे
हमने दो बटे दूरी मेजर करने का, लास्ट है पारसेक। पारसेक है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है जनरल साइंस का, आपको दिया होता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जैसे एक दे दिया खगोल यूनिट, दो दे दिया प्रकाश वर्ष, तीन दे दिया पारसेक, चार नंबर आपको दे देगा किलोमीटर दे दिया ऐसे। तो बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, तो इसके अंदर ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है ये कि पारसेक क्या है, या पारसेक कब यूज होता है, या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ये पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर एक पारसेक बराबर, एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं, 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। तो ये हमारी तीन मेजर या इंपॉर्टेंट दूरी मापने की इकाइयां थी। पहली खगोलीय यूनिट जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 × 10⁻¹⁰ मीटर। दूसरा प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। तो ये आप जरूर लिख रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, अपनी कॉपी के अंदर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि किसी चीज का हमें क्या देखना है, मात्रक देखने हैं। तो वो तो हमने देख लिए थे पहले। आज हमारा जो नया टॉपिक है, हम फिजिक्स को कितने भागों में बांट रखे हैं, 7 से 8 भागों में बांट रखे हैं, मेन 7 भागों में। तो एक टॉपिक हमारा लगभग मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे यांत्रिकी वाले, वो कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे हम गति के अंदर। गति, गति क्या होती है, गति या विराम, मतलब गति या विराम, रेस्ट एंड मोशन। अब हमारा टॉपिक है विराम एम गति, या जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट, रेस्ट मतलब विराम करना होता है, एंड मोशन, कौन सा मोशन, तो मोशन का मतलब होता है गति। मोशन जो कैंडिडेट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आईआईटी या नीट की, तो एक आपने कोटा के अंदर एक मोशन करके इंस्टीट्यूट है ना, आपने नाम सुना होगा, जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनको पता होगा। तो मोशन का मतलब होता है गति, मतलब वो इस तरह नाम रखा गया कि ये कंटिन्यू गति करे, मतलब आगे बढ़े, बढ़ता रहे, प्रोग्रेस करे। जो एनवी सर है ना, उनका नाम, जिनके वीडियो आते रहते हैं रील्स वगैरह या और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो, तो उनका ये नहीं है मोशन, वो इसी पे नाम पे पड़ा गति पे, मतलब मोशन की कंटिन्यू गति करे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गति मतलब सो रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है, तो रेस्ट एंड मोशन को कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक है, और एक मैं हूँ, जैसे एक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ और ये बोर्ड है, इसके माध्यम से समझते हैं हम। तो जैसे रेस्ट एंड मोशन को, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड के सापेक्ष चल रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो चलने में कुछ कोई दूरी तय कर रहा हूँ, दूरी किस में होगी, मीटर में दूरी तय करूँगा, ठीक है। तो दूरी तय करने में क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, कोई टाइम लगेगा। तो अगर मैं किसी वस्तु के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु किसी समय के अंदर कुछ दूरी को तय कर रही है, तो वो गति क्या है, अपनी स्थिति को चेंज कर रही है, ठीक है, तो वो तो किसमें होगी, गति में होगी। जो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रही है, वहां पे स्थिर है उसके सापेक्ष, तो वो किसमें होगी, रेस्ट के अंदर होगी। जैसे मैं कोई टाइम के लिए इस बोर्ड के सापेक्ष चलाऊंगा, हम दो लोग, एक बोर्ड है एक मैं चलूंगा, तो मेरी क्या होगी, एक दूरी तय होगी, इसमें होगी, वो जो दूरी तय करूंगा किसी वस्तु के सापेक्ष, वो समय के साथ मेरी स्थिति को क्या करेगी, बदलती रहेगी। जैसे मैं पहले यहाँ था, अब मैं चल के यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो मैंने एक अपनी समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को चेंज कर लिया, और इसके भी सापेक्ष मैं चेंज हो गया। पर ये बोर्ड क्या है, दीवार के पास ही है, वहीं चिपका हुआ है, तो ये क्या हो गया, स्थिर मोशन में हो गया। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या है, ये एक ट्रेन की पटरी है,
ठीक है। इस ट्रेन की पटरी पे आपने देखे पेड़ होते हैं, पोल होते हैं, इसे ये पोल लगे हुए, जैसे पोल लगे हुए, ठीक है। ये हमारा पोल नंबर वन है, ये पोल नंबर टू है, पोल लगे होते हैं, ठीक है। पेड़ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। पहले क्या आई ट्रेन हमारी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे हमारी ट्रेन थी, पहले इस पोल के पास थी। इस पोल से ये ट्रेन चल के किसी समय अंतराल कोई टाइम को लेके कुछ डिस्टेंस को ये कवर करती है, यहां से कहां पे पहुंच गई, इस पोल के पास पहुंच गई, ठीक है। यहां पे आ गई ट्रेन हमारी, ठीक है, कोई टाइम लेके, और कोई टाइम के अंदर इसने कुछ दूरी को तय कर लिया, वो दूरी किसमें होगी, मीटर के अंदर या किलोमीटर में होगी। अब ये ट्रेन यहां नहीं है, यहां से यहां पे आ गई और यहां नहीं है। तो ट्रेन ने तो अपनी टाइम के साथ दूरी को चेंज कर लिया और अपनी स्थिति को भी चेंज कर दिया, यहां से यहां आ गई, पर पोल क्या है, वहां का वहां पे ही है जहां पे पहले था, ये कोई दूसरा पोल है, पोल वहीं है। तो क्या होगा, अब ट्रेन गति में है या फिर रेस्ट में है, विराम में है, बताओ कि इनमें कौन रेस्ट के अंदर है, कौन मोशन के अंदर है। तो ट्रेन हमारी क्या कर रही है, कंटिन्यू मोशन कर रही है, मतलब गति कर रही है, और पोल हमारा क्या है, रेस्ट के अंदर है, विराम अवस्था में है। तो ये होता है गति और विराम का नियम, मतलब रेस्ट एंड मोशन का नियम। अब मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह जैसे आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या है, आपसे कोई पूछ रहे डिस्टेंस या दूरी क्या है, तो जैसे ये ट्रेन थी, तो ये ट्रेन क्या कर रही है, कोई किसी समय अंतराल के अंदर, ठीक है, जैसे पहले पोल हमारा ये था, पोल वन और पोल टू था, तो ट्रेन क्या कर रही है, कोई समय अंतराल, कोई टाइम लेके एक कोई निश्चित दूरी तय कर रही है, ठीक है, या कोई लंबाई या कुछ मार्ग पर लंबाई तय कर रही है, मतलब कोई समय अंतराल को लेके कुछ समय के अंदर ये ट्रेन है, वो पोल वन से पोल टू के बीच कोई टाइम लेके एक अपनी डिस्टेंस को कवर कर रही है लंबाई के अंदर, तो वो क्या कर रही है, एक दूरी तय कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, मतलब कोई लंबाई को मेजर कर रही है, लंबाई तय कर रही है एक टाइम लेके, तो वो क्या है, दूरी, ये मीटर किलोमीटर में इसमें भी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्या है कि विस्थापन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जैसे कोई एक व्यक्ति है, ये पॉइंट ए से ए पे कोई एक व्यक्ति है, पॉइंट ए से चला वो और कुछ टाइम के लिए कोई एक दूरी तय करी, मानो वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है, फिर इसका मन किया कि नहीं मैं पॉइंट बी से थोड़ा और आगे जाऊंगा, तो पॉइंट वो सी पे पहुंच गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट मारना होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि शॉर्टकट, कि आपको बोला कि आप दो लोग हो, ठीक है, आप क्या करते हैं, हम मतलब बचपन में करते थे, बहुत बार करते हैं ऐसे, मतलब ऐसे करते हैं, रेस लगाते हैं कि तू वहां पहले पहुंचे, मैं पहले पहुंचूंगा, कौन पहले पहुंचेगा, तो एक व्यक्ति क्या करता है कि शॉर्टकट रास्ते से जाता है, जैसे मान लो इसको यहां पहुंचना है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, एक क्या करेगा इस रास्ते को तय करेगा, और एक क्या करेगा शॉर्टकट रास्ता जानता होगा, इसको इससे जाएगा एक फ्रेंड, एक इससे जाएगा, तो जो शॉर्टकट मारेगा कम टाइम में पहुंचेगा ना, वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि तुम्हारी प्राथमिक और जो अंतिम होती है दूरी, उसका बीच का न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका, स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट है ना, आपका एंडिंग पॉइंट, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाएगा। जैसे मान लो ये आपका कितना है, हम जैसे आप निकालते हो कि ये हमारा, इसका जैसे निकालो आप कुछ भी, जैसे तो ये मान लो पांच है, ये आठ है, और जैसे इसका निकाला आपने, जैसे ये कितना आएगा, न्यूनतम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए,
तो ये कोई आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचा, जैसे यहाँ 5 आया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितना हो गया, तो 8 × 5 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। और ये कितना बढ़ेगा, ये निकालोगे तो अगर आप मैथ से निकालते हो, कैसे निकालते हो, ये कितना हो गया 25 + 64 कितना हो गया बताओ, ये आपका हो गया 80, 84 और 89 मतलब अप्रोक्स किसके अप्रोक्स पहुंचा, मतलब अगर आप इसका निकालोगे वर्गमूल निकालोगे, रूट लोगे, स्क्वायर निकालोगे इसका, तो कितना बनेगा ये, जैसे 10 का तो होता है 100 और 9 का कितना होता है 81 होता है, तो ये करीब किसके 9 के पास पहुंचा, ठीक है। तो ये होता है न्यूनतम डिस्टेंस। अगर आपको बोले कि पॉइंट ए से पॉइंट सी में जाने की न्यूनतम डिस्टेंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि 9 मीटर है। अगर आप यहाँ चाहो तो आपका शॉर्टकट डायरेक्ट यहाँ से, अगर पहले आप पॉइंट बी पे गए 5 मीटर चले, फिर पॉइंट सी पे गए, बी से सी गए 8 मीटर चले, ये टोटल कितना हो गया 13 मीटर हो गया। तो ये जरूरी करना, ये जरूरी थोड़ी है ये डिस्टेंस चलना, आप डायरेक्ट शॉर्टकट चलो ना यहाँ से 9 मीटर में पहुंच गए। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके, हम कल लिख लिए, कल ही परसों लिख लिए थे ना फॉर्मूले वगैरह, सदिश है अदिश है, ये चीज तो लिखी ली थी हमने कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है अदिश राशि। अब बात करते हैं चाल या स्पीड। स्पीड चाल और दूरी में ज्यादा फर्क नहीं है। स्पीड का मतलब यही है, चाल का मतलब आप किसी समय के अंदर कितनी दूरी तय कर रहे हो। पहले क्या है, दूरी के अंदर क्या तय करोगे किसी समय के अंदर, मतलब लंबाई कितनी या कितने मीटर डिस्टेंस को कवर करोगे। इसके अंदर चाल के अंदर क्या करोगे, किसी समय के अंदर आप कितनी दूरी को तय कर रहे हो, वो क्या होता है, चाल या स्पीड होता है। तो ये हमारा गति या रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक चल रहा था। इसमें हम कल क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, इसको त्वरण बोलते हैं, वेलोसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, और क्या है, एवरेज स्पीड जिसको हम बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। ये चीजें हम कल पढ़ेंगे, और जो आपको पीछे का पढ़ाया वो जरूर रिवाइज करना। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी रेस्ट एंड मोशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, चाल, दूरी में डाउट है, तो वो जरूर कॉमेंट करके बताएं, तो मैं कल आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।